हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड दिस इज नोए बाइसिकल। सो मिलते हैं राजेंद्र जी से और भांजे साहब से, क्योंकि ये मामा भांजा की जोड़ी है। और जानते हैं क्यों राजेंद्र जी ने एक इलेक्ट्रिक साइकिल ही चुनी और क्यों भांजे साहब ने इनको इलेक्ट्रिक साइकिल दिलाने का विचार बनाया। पहले आपसे पूछते हैं, क्यों आपने इनको इलेक्ट्रिक साइकिल दिला रहे हैं? क्योंकि वो इनको मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और फिर वो जल्दी आ भी पाएंगे। अच्छा, आते हैं कभी कभी। अच्छा, तो सुनने में आया इनका साइकिल अभी भी चोरी हुआ है? कल रात को चोरी हुआ है और आपने आज एक इलेक्ट्रिक साइकिल भी खरीद लिया। तो आपने ये साइकिल चलाया है तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा लगा। इससे पहले कभी इलेक्ट्रिक साइकिल चलाया? क्या डिफरेंट क्या लगा? अच्छा लगा, वो सब पैडल मारते मारते थक जाते। और इसमें एक पैडल में अपने आप स्पीड पकड़ रही है। चलिए मिलते हैं मनीष जी से, क्योंकि मनीष जी इनके रिश्ते में ये साले साहब लगते हैं राजेंद्र जी। तो मनीष जी, आपका अनुभव ऑलरेडी, आप, मैं देख पा रहा हूँ आप एथर ऑलरेडी स्कूटी चला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक में आपको क्या लगता है कैसी रहेगी ये भारत की सड़कों पे? ऑब्वियसली मतलब एथर मैं चला रहा हूँ क्यों, इलेक्ट्रिक की वजह से मेरे को लगा कि इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल होनी चाहिए। मतलब आपके एफर्ट्स भी कम लगेंगे और दूसरी बात यह है कि आप ऑफिस में जा रहे हैं और आपको पसीना पसीना हो जाए बिल्कुल, तो फिर मॉर्निंग जो है आपकी कुछ ज़्यादा अच्छी रहती नहीं है। तो इस वजह से ई बाइसाइकिल मेरे को ज़्यादा बेटर इस वजह से लगती है कि आप मॉर्निंग में जो है आप इलेक्ट्रिक में जाएं और बाद में आप अपना जो है नॉर्मली पैडल के थ्रू आए, जैसे आपकी फिटनेस भी बनी रहे और आपका जो है काम भी चलता रहे। आप मॉर्निंग में इजी वे पे जाए और शाम के टाइम आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए। और बहुत खूब, क्योंकि कम थकान में अगर ज़्यादा सफ़र तय कर पा रहा है कोई इंसान, तो इससे बेहतरीन कुछ होगा भी नहीं। और जहाँ तक मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, इस साइकिल पे 15,000 की सब्सिडी तो मिली रही है। तो अगर आप दिल्ली से हैं या आपका कोई सगा संबंधी रिश्तेदार दिल्ली में रहता है, तो उनके आधार कार्ड और कैंसिल चेक के ऊपर आप साइकिल को निकलवा सकते हैं और 15,000 की सब्सिडी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो राजेंद्र जी, आशा रखता हूँ कि आपका सफ़र आगे का अच्छा रहे। साइकिल का ध्यान रखिएगा, ये वाली चोरी नहीं होनी चाहिए। लॉक वाली फुल्ली पैक होके सीधा अंदर। बिल्कुल, घर के अंदर खड़ी कीजिए और कोई रास्ते में पूछे ताछे कोई साइकिल कहाँ से ली तो मेरा नाम दे सकते हैं, बाकी चलाने को कोई मांगे तो देना नहीं है आपको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? पार्थ। तो पार्थ को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहेंगे हम लोग, क्यों उन्होंने मामा को अपने एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू पार्थ।